हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर थ्री में पार्ट टू हम पढ़ेंगे। पार्ट वन हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखे थे। आज हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन कैसे हमारे आते हैं, और ये क्वेश्चंस जो है आपके यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम और जो हमारा फाइनल और सेमेस्टर एग्जाम होगा उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो जल्दी जल्दी से आप कंफर्म कर दीजिए कि स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए तो देखते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कि एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन आयुर्वेदा, है ना। तो देखिए आयुर्वेदा का बेसिक प्रिंसिपल लिखिए। तो देखिए कुछ बातें तो हमको भी पता है आयुर्वेदा के बारे में और कुछ हम थोड़ा सा और तड़के मड़के से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए आयुर्वेदा हम यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, हम उन मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, उन मेडिसिन का हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि हम नेचुरल चीजों से मिलती है, जो कि हमें क्या कुदरती चीजों से मिलती है। देखिए आज के टाइम पे 3000 साल पहले से ये आयुर्वेदा सिस्टम जो है हमारा चलता हुआ आ रहा है इंडिया में, है ना। आयुर्वेदा में हम क्या देखते हैं कि पहले हम लाइफ, ह्यूमन बीइंग की लाइफ और उसकी लाइफ को ट्रीट करने के लिए, जो भी उसको डिजीज है उसको ट्रीट करने के लिए हम ड्रग देते हैं जो कि हमारे नेचुरल चीजों से मिली हुई होती है। तो जो हमारा आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा संस्कृत वर्ड है हमारा आयुर। आयुर का मतलब होता है हमारा लाइफ और वेदा का मतलब होता है हमारा साइंस या फिर नॉलेज, क्लियर। साथ ही साथ हमारा आयुर्वेदा इसको हमने कहा, क्या ट्रांसलेट किया है इसको, नॉलेज ऑफ लाइफ में इसको हमने बदला है, क्लियर। आयुर्वेदा जो है हमारा बेस्ड है हमारा फाइव एलिमेंट्स पे, जैसे कि कहा गया है जो अर्थ, स्पेस, अग्नि, वायु, इन सारी चीजों पे, एनर्जी, लिक्विड, स्पेस, सॉलिड, इन सारी चीजों पे आयुर्वेदा जो है हमारा बेस्ड है, क्लियर। आयुर्वेदा में कुछ टर्म्स और भी हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस में हेल्प करती हैं, लेकिन उनको आयुर्वेदा में कुछ टर्म्स है उन नामों से जाना जाता है। जैसे कि हमारा हो गया वाता, पता को स्पेस और एयर से जाना जाता है, पिता पिता को एनर्जी और लिक्विड से जाना जाता है, और कपा कपा को लिक्विड और सॉलिड से जाना जाता है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ गुटिका। अब देखिए गुटिका के बारे में हमने पढ़ा भी था, गुटिका क्या होता है, कुछ नहीं, टैबलेट होती है हमारी, हमारी पिल्स होती है जिनको क्या कहा गया है आयुर्वेदा में, गुटिका कहा गया है। तो आइए देखते हैं गुटिका को। देखिए बनाने के लिए यही होता है कि हम पहले जिस दवाई को बनाने के लिए करते हैं उसको क्या लेते हैं, हम पार्ट लेते हैं, पार्ट लेने के बाद हम उसको वॉश करते हैं, उसको एयर ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर। पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद हम उसमें लिक्विड या फिर जो भी हमें इंग्रेडिएंट ऐड करना होगा हम उसको ऐड करते हैं, उसको पेस्ट फॉर्म में बना देते हैं और एक उसको शेप और स्ट्रक्चर दे देते हैं, फिर उसके बाद उसको आगे के प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। ये तो इस तरह से हमारी गुटिका, इस तरह से हमारा टैबलेट बनता है। देखिए यही किया गया है, ड्रग लिया है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उसके बाद हमने उसको हीट प्रोवाइड की है भस्म की हेल्प से, उसके बाद जो भी उसमें दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड होना है वो ऐड किया है, उसको पेस्ट में कन्वर्ट किया है और आगे के प्रोसेस के लिए भेजा है। ये हो गया हमारा गुटिका का प्रिपरेशन मेथड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, राइट द रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये रिपीट भी हुआ है, ये हो सकता है आगे भी रिपीट हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या है क्वेश्चन, क्या पूछ लिया है, नेशनल इकोनॉमी, मेडिसिनल प्लांट। तो देखिए मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट अपना क्लोव, लौंग, कोरिएंडर, धनिया, है ना, फेनल, सौंफ, ये सब क्या है हमारे मेडिसिनल प्लांट है जिनके क्या है अपने अपने थेरेप्यूटिक यूजेज है, क्लियर। अब ये हमारे कंट्री को भी और हमें भी क्या कर रही है,
डेवलप्ड कर रही हैं, क्लियर। हमें इनकम के मतलब कि अर्निंग में भी क्या कर रही है, ये डेवलप कर रही है हमें भी और हमारी कंट्रीज को भी। ये जो मेडिसिनल प्लांट्स है ना बच्चों लोग, बहुत ही कॉस्टली बिकते हैं ये, क्लियर। और लोग इनको लेते भी हैं, क्यों? क्योंकि थेरापेटिक एक्टिविटीज भी हैं इनकी। तो आइए देखते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो देखा जाए, हमारा इंडिया बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट से ब्लेस्ड है। हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्लांट्स में बहुत ज्यादा मात्रा में थेरापेटिक एक्टिविटी पाए गए हैं, मतलब कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे ड्रग्स पाए गए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, क्लियर। देखिए ये वही लिखा हुआ है जो बताया कि बहुत हमारा जो इंडिया है ब्लेस्ड विद एक्सपेंसिव वेल्थ, मतलब कि बहुत ज्यादा महंगे महंगे प्लांट्स हमारे इंडिया में है जो कि बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं बाहर की कंट्रीज में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राइट द ब्रीफ नोट ऑन न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। न्यूट्रास्यूटिकल न्यूट्रिशन, देखिए अब कई प्लांट ऐसे होते हैं जिन जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कई प्लांट वेजिटेबल्स फ्रूट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूट्रिशन हमें डिजीज भी हो सकती है अगर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में सही मात्रा में नहीं है। तो हमारे हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए हमें न्यूट्रिशन का सेवन करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं, 1989 में स्टीफन बेल, इन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में बताया था, है ना। इन्होंने बताया था कि न्यूट्रास्यूटिकल ऐसा सब्सटेंस है जो कि फूड और उनके पार्ट्स में मिलता है और ये हमारी बॉडी को, हमारे हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए काम आता है। न्यूट्रास्यूटिकल हमारा बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी देता है, साथ ही साथ कोई भी साइड इफेक्ट, अब खाना खा रहे हैं तो फूड ले रहे हैं, हमें कोई साइड इफेक्ट होगा नहीं, क्यों? क्योंकि नेचुरल चीजें हैं, हम नेचुरल चीजें ले रहे हैं, है ना। वो हमें क्या देंगे, बेनिफिट्स देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, हमारे हेल्थ को हेल्दी रखेंगे, क्लियर। तो हमारे डाइट में न्यूट्रिशन का होना बहुत ही जरूरी है, वो हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेंगे। जैसे देख लें आप, ये क्वाशिकॉर हो गया, मरासमस हो गया, ये सारी क्या है, ये न्यूट्रिशन की पूर्ति ना होने पे ये सारी दिक्कतें हमको होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, राइट द ब्रीफ नोट ऑन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं। अब कुछ प्लांट और कुछ हमारे फ्रूट्स, कुछ प्लांट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स हमको क्या देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देते हैं जो कि क्या हमारे स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से दूर रखते हैं, साथ ही साथ हमारे स्टमक से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है उनको दूर रखते हैं, हमारा फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके वो भी अच्छा होता है ना। ये सारी चीजें क्या प्रोवाइड करती हैं, हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देती हैं। आइए देखते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट क्या है, नेचुरली चीजों से, देखिए हम क्या प्लांट से फ्रूट से वेजिटेबल से यही सारी चीजें हम एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं, तो नेचुरल चीजों से हमको एंटीऑक्सीडेंट भी मिल सकता है जो कि क्या हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स बहुत ही अच्छे सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट के लिए, क्लियर। थेरेपेटिक यूजेस की अगर हम बात करें तो ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर हार्ट प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करता है, साथ ही साथ हमारे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ मेडिसिनल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल बताइए किसका, मेडिसिनल प्लांट का। तो आइए देखते हैं,
अब ये देखें कि प्लांट प्लांट के पार्ट्स हमारे बहुत सारे डिजीज में क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। कभी कभी सीड्स यूज होते हैं, कभी कभी राइजोम्स यूज होते हैं, कभी कभी लीफ यूज होते हैं, कभी कभी फ्लावर्स यूज होते हैं किसी किसी क्रूड ड्रग्स के। ये सब क्या कर रहे हैं, ये किसी ना किसी बीमारी को, डिजीज को क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा मेंथॉल, और मेंथॉल से क्या हो रहा है, मिंट ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ चूर्णा। अब देखिए चूर्णा बहुत ही इजी है, पाउडर फॉर्म में होता है। चूर्णा आप लोगों के घरों में भी ऐसी चूर्ण उठा के ले लिया, पक लिया है ना, चूर्ण उठा के खा लिया, तो चूर्णा वही है, पाउडर फॉर्म में होता है। थोड़ा और पाउडर फॉर्म में इसका प्रिपरेशन होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा है, हम बिल्कुल फाइन पाउडर ले लेते हैं चूर्णा को बनाने के लिए। आइए देखते हैं, हम फाइन पाउडर ले लेते हैं और उसमें हम क्या ऐड करते हैं, रॉ मटेरियल ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं, उसको अच्छे से क्रश करते हैं और देख लेते हैं कि किसी तरह का सॉलिड पार्टिकल तो नहीं है। उसके बाद उसमें और भी अगर आपको इंग्रेडिएंट मिक्स करना है तो मिक्स करेंगे, क्लियर। उसको अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स करने के बाद चूर्णा को, अब देखो चूर्ण है बच्चा लोग, तो उसको हम ओपन कंटेनर में नहीं रख सकते हैं, तो उसको हम क्लोज कंटेनर में रखेंगे। तो इस तरह से हमारा चूर्णा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ भस्मा। अब देखिए बहुत ही इजी मेथड है, कुछ नहीं है। भस्मा तो सबसे ही इजी लगता है। क्या लिया है इन्होंने, भस्मा में क्या होता है, ड्रग होता है, और ड्रग को क्या प्रोवाइड कर देते हैं, ज्यादा मात्रा में हीट प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भस्म हो जाता है, राख हो जाता है, जल जाता है। तो आइए इसका प्रिपरेशन देखते हैं। भस्म के हमारे दो मेथड होते हैं प्रिपेयर करने के, एक सोधना और एक मराना। देखते हैं सोधना में क्या कहते हैं, ये ऐसा मतलब प्रोसेस है जो क्या है, प्योरिफिकेशन किसका, मेटल्स का। ये एक प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है, प्योरिफिकेशन का, मेटल्स का, क्लियर। और इसमें क्या होता है, ये सेकंड स्टेज है हमारा किसको प्रिपेयर करने का, भस्म का। दो स्टेजेस में होता है, एक तो पहला हमारा सोधना, दूसरा होता है हमारा मरना, जिसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, प्योरिफाइड करते हैं हम किसके थ्रू से, सोधना प्रोसेस के थ्रू से। इसको प्योरिफाई करने के बाद हम इसको ड्राई कर लेते हैं सनलाइट में, और फिर उसके बाद इसको हम एक कंटेनर में को क्लोज करके क्लोथ से रख देते हैं, पैक करके हम इसको रख देते हैं, क्लियर। चले नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, डिस्कस ब्रीफ अबाउट सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देखिए सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ये सारे सिस्टम बच्चा लोग अच्छे तरह से आप देख लें, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक, चारों तो नहीं लेकिन एक ना एक पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, और नेक्स्ट ईयर भी पूछा जा सकता है। तो आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसको अच्छे से पढ़ ले, पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं हम सिद्धा सिस्टम में क्या होता है। सिद्धा सिस्टम का मतलब क्या होता है, अचीवमेंट। क्या मतलब होता है इनका, मतलब होता है अचीवमेंट, सिद्धांत, क्लियर। जहां पे क्या होता है, ये गोल को देखते हैं और उसको अचीव करते हैं, क्लियर। ये ट्रेडिशनल मेथड है, और जो सिद्धा है ये कहाँ से आया, हमारा लॉर्ड शिवा से आया है, क्लियर। ये नेचुरली चीजों से, नेचुरल हमारा प्लांट, हमारा एनिमल सोर्स, इनसे एक्टिव इंग्रेडिएंट लेके ड्रग बनाते हैं, क्लियर। ये डिजीज के बारे में पढ़ते हैं और इनका एम होता है कि उस डिजीज को हमको ट्रीट करना है, और वो अचीव भी करते हैं, क्लियर। और उसी पे, ये एक नहीं, ये कई बार उसी प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। साथ ही साथ आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कलर से, क्लियर, कलर से आइडेंटिफाई करते हैं डिजीज को, यूरिन से उस पे स्टडी करते हैं, वॉइस पे स्टडी करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को देखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स को देखते हैं। ये पूरी तरह से पहले एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, फिर उसके बाद डिजीज पे स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट देंगे, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरिस्टा। अब अरिस्टा का चलो ये उठ के आया है हमारा आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन से। आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन में हमारा अरिष्ठा अश्व ये सारी चीजें हैं, तो अरिष्ठा और अश्व दोनों ही एक तरह से सिमिलर होते हैं, बस फर्क ये होता है कि एक में हम डिजॉल्व करते हैं और एक में हम डिकॉक्शन करते हैं। डिकॉक्शन का मतलब होता है बच्चा लोग बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस को यहाँ पे डिकॉक्शन कहा गया है। तो आइए देखते हैं हमारे अरिष्ठा में क्या होता है। क्रूड ड्रग लेते हैं, क्रूड ड्रग को लेने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद डिकॉक्शन प्रोसेस करते हैं, मतलब कि ड्रग को पानी में डाल के हीट प्रोवाइड करते हैं, उसको बॉइल करते हैं, क्लियर। उसके बाद बॉइल करने के बाद उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद उसमें अदर इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, और अदर इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद वो जिस कंटेनर में उसको बना रहे होते हैं उसको क्लोथ से टाई करके 3 से 4 दिन तक छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद उसको 3 से 4 दिन बाद क्लोथ को हटाते हैं और जो उसमें ऊपर फिल्ट्रेट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसको सुखाते हैं और आगे के प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। क्लियर, क्लियर है सबको इसका मेथड। चले बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्लियर कर दीजिए, सबको समझ आ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राइट द ब्रीफ नोट ऑन ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में थोड़ा सा बताएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी बहुत सारी डिजीज में ये भी काम कर रही है। तो आइए देखते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो ये है हमको कहाँ से मिलता है, जनरली हमको फिश से मिलता है। कहाँ से मिलता है हमको, फिश से मिलता है। क्लियर, कौन कौन से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, अल्फा इकोसैंथिना और साथ ही हमारा डोको, ये तीन हमारे मेजर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। क्लियर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, हमको कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, ये बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शंस को, साथ ही साथ हमारे एंडोक्राइन, हमारे ब्लड वेसल्स और हमारे हार्ट के इन सारे फंक्शंस को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। देखा जाए तो ओमेगा जब इतने सारे फंक्शंस को मेंटेन रख रहा है तो अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लियर, थेरापेटिक एक्टिविटी की बात करें तो इतनी सारी एक्टिविटी हमने पहली देख ली है, हार्ट के फंक्शंस में इम्यून सिस्टम को हमारे स्टेबल रख रहा है, कैलोरीज हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमारे हेल्थ को हेल्दी रख रहा है, तो इतनी सारी चीजें हमने देख ली है। क्लियर, अगर किसी को हार्ट की वजह से या फिर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से डेथ भी हो रही है तो उसको भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्लियर, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफ अबाउट होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा बताएं। होम्योपैथी सिस्टम बच्चा लोग एक स्टेटमेंट बताता है, वो ये कहता है कि लाइक क्योर्स लाइक। मतलब कि बीमारी को बीमारी ही ठीक करेगा, और जितना हमारा ड्रग सॉल्युबल होगा, जितना उसको हम सॉल्यूट करेंगे, क्लियर, उसको सॉल्युबल करेंगे, जितना हम उसको मिक्स करेंगे उतना ही वो असर करेगा। इनके ये दो प्रिंसिपल हैं। तो ये कहते हैं कि एक तो बीमारी को बीमारी ही ठीक करेगा, क्लियर, इस वजह से होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं ले सकता है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन लेगा तो जिस चीज की मेडिसिन दी जा रही है उसको वही बीमारी हो जाएगी। इस वजह से हमको होम्योपैथी की मेडिसिन किसी नॉर्मल इंसान को नहीं देनी चाहिए बिना रिकमेंड के। आइए तो देखते हैं, इट वॉज डेवलप्ड इन द 1700 जर्मनी। क्लियर, ये कहां पे, 1700 ईयर पहले ये हमारा जर्मनी में डेवलप हुआ था। क्लियर, हमारे इंडिया में भी ये बहुत टाइम से चल रहा है। आजकल के टाइम पे हमारा होम्योपैथी ही सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देते हैं।
इस वजह से होम्योपैथी हमारी यूज की जा रही है। ये होम्योपैथी जो है, ये जो ड्रग बनाते हैं, ये भी नेचुरल चीजों से बनाते हैं, प्लांट एनिमल सोर्स से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाल के ड्रग बनाया जाता है, क्लियर, जो कि बहुत सारे डिजीज को क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। और इनका दूसरा बिलीफ है कि बॉडी खुद ही रिकवरी करेगी, क्लियर। दूसरा बिलीफ है इनका कि होम्योपैथी मेडिकल सिस्टम में ये पूरा बेस्ड है किस पे, कि बॉडी खुद ही रिकवर करेगी, क्लियर। चले देखिए, यहाँ पे वेजिटेबल ड्रग्स हमारी ली गई हैं, एनिमल ड्रग्स, ये सारी चीजें क्या है, एनिमल से ली गई हैं, वेजिटेबल से ली गई हैं, मिनरल सोर्स से सारी ड्रग्स ली गई हैं। तो ये सब हमारी क्या है, होम्योपैथिक ड्रग्स हैं, जो कि हमारे नेचुरल सोर्स से ली गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अश्वा। अब देखिए, आपने अरिष्टा का प्रिपरेशन देखा था, अब अश्वा का देखें। स्टार्टिंग में बताया था दोनों में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, एक ही स्टेप का डिफरेंस है, वो है बॉइलिंग का और डिसॉल्व का। तो अरिष्ठा में तो हमने देख लिया था कि बॉइलिंग हो रहा था, डिकॉक्शन हो रहा था, अब अश्वा में हम देखेंगे क्या होता है। देखिए, अब हम ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है, हम ड्रग ले लेंगे, ड्रग का फाइन पाउडर ले लेंगे, उसके बाद उसको हम वाटर में, कंटेनर में वाटर लेंगे और डिसॉल्व कर देंगे, क्लियर। डिसॉल्व करने के बाद हम उसको फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद जो भी होगा उसमें अदर इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद उसको एक कंटेनर में बांध कर क्लोथ से 4 से 5 दिन के लिए स्टोर कर देंगे अच्छे से, क्लियर। यही है पूरा प्रोसेस जो हमने अरिष्ठा में देखा था, वही अश्वा में होता है। बस एक थोड़ा सा होता है कि यहाँ पे बॉइलिंग प्रोसेस नहीं होता, हीट नहीं प्रोवाइड की जाती है, डिसॉल्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डिस्कस ब्रीफली अबाउट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो देखा जाए हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में, सबसे पहले जो बात हुई थी वो इन्होंने की थी हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बात की थी। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या होता है कि ये हमारे सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते, ये हमारे कॉज को ट्रीट करते हैं, मतलब कि बीमारी को पैदा करने वाले कारणों पे काम करते हैं, ना कि बीमारी के बाद होने वाले सिम्टम्स पे काम करते हैं, क्लियर। तो ये कुछ हमारे मेडिसिन है, जैसे कि मदार, फुलफुल, कबाब, चिली और हमारा सना जीरा, ये सारे हमारे कुछ है क्या, यूनानी मेडिसिन। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, राइट टू ब्रीफ नोट ऑन सोया। सोया के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, सोया को हम सोयाबीन भी कहते हैं और आप भी सोयाबीन के बारे में बहुत जानते होंगे, है ना। सोयाबीन बहुत ज्यादा मात्रा में क्या प्रोवाइड करता है, हमको प्रोटीन प्रोवाइड करता है। सोयाबीन को हम गोल्डन बीन और मिरेकल क्रॉप भी कहते हैं, क्लियर। सोयाबीन ऑयल भी होता है, क्लियर। सोयाबीन का जो हमारा जेनरिक नेम है वो क्या है, सोया, जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइसिन सोया, जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइसिन सोया। सोयाबीन जो हमारा बिलोंग करता है वो हमारा लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है, क्लियर। सोयाबीन हमारे बहुत सारे डिजीज में भी ट्रीट करता है, ये हमारे हेल्थ को हेल्दी बनाता है, हमें बहुत सारे प्रोटीन प्रोवाइड करता है। सोयाबीन में देखिए तो बहुत ही हाई क्वालिटी में प्रोटीन पाया जाता है, 40 से 50% हमारा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, क्लियर। सोयाबीन हमारा कहाँ पे होता है, ये हमारा इंडिया में ही होता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो देखिए, सोयाबीन के बहुत सारे यूजेस हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन से भरा पड़ा है, क्लियर। सोयाबीन हमारा ऑयल की तरह भी यूज होता है, देखिए हम अधिकतर सोयाबीन को कुछ भी बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए यूज करते हैं, साथ ही साथ ये हमारा न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन, फैटी एसिड, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें हमारा प्रोवाइड करता है क्या, सोयाबीन, क्लियर। सोयाबीन हमारा क्या है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, राइट ब्रीफ नोट ऑन गार्लिक। गार्लिक के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो आइए, गार्लिक के बारे में वैसे देखा जाए तो आप लोग भी बहुत कुछ जानते होंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्लियर। तो गार्लिक क्या है, गार्लिक हमारे क्या है, फ्रेश बल्ब
एल्यूम सटिवम ली फैमिली से कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? लिलिएशिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर। ये हमारे इंडिया, रशिया, यूएसए यहाँ सारी कंट्रीज में पाए जाते हैं। अगर हम गार्लिक की बात करें तो इसकी बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ हमारा गार्लिक जो कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी काम करता है, साथ ही साथ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी हमारा गार्लिक यूजफुल है। क्लियर। ये देखें, बहुत ज्यादा इसकी थेरापेटिक एक्टिविटी है, कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी है, गैस्ट्रिक प्रॉपर्टी है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी हमारा गार्लिक यूज होता है, साथ ही साथ एपिलेप्सी में भी हमारा यूज होता है, डायबिटीज में भी हमारा गार्लिक यूज होता है। क्लियर। उसके अलावा अगर किसी को अस्थमा है या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है किसी को, उन सारे प्रॉब्लम्स में भी हमारा गार्लिक लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, राइट द ब्रीफ नोट ऑन कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो देखते हैं कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं। तो कैरोटेनॉइड्स हमारे क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्या हमको नेचुरल चीजों से मिले होते हैं, जैसे कि एनिमल। क्लियर। क्या होते हैं पिगमेंट्स होते हैं जो कि हमको नेचुरल या फिर प्लांट किंगडम से मिले हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। कैसे सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। जो हमारे कैरोटेनॉइड्स हैं मोस्टली कहाँ पे, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि इसमें 40 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, 40 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो कैरोटेनॉइड्स हमारे विजन बेनिफिट्स में काम आते हैं, साथ ही साथ हमारे कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें काम आते हैं, साथ ही साथ स्किन कैंसर या फिर स्किन पे झाइयां आ गई हैं इन सारी प्रॉब्लम्स में भी हमारे कैरोटेनॉइड्स काम आते हैं। क्लियर। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी काम आते हैं, स्लो हार्ट में भी काम आते हैं, साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्लियर। तो आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है राइट द रोल ऑफ एरोमेटिक प्लांट। अब एरोमेटिक प्लांट मतलब एरोमा, क्लियर, फ्रेग्रेंस। तो एरोमेटिक प्लांट का जाहिर सी बात है रोल क्या है, एरोमा के लिए यूज हो रहा है, तो ये खुशबू के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए हमारा एरोमेटिक प्लांट यूज हो रहा है। जैसे कि हमारा क्लोव मान लीजिए, क्लियर, हमारा जिंजर मान लीजिए, हमारा कैडमम मान लीजिए, हमारा कोरिएंडर मान लीजिए, ये सब क्या है, हमारे एरोमेटिक प्लांट्स हैं जो कि क्या दे रहे हैं, खुशबू दे रहे हैं, एरोमा दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या क्या रोल है हमारे एरोमेटिक प्लांट्स के। तो एरोमेटिक प्लांट्स जनरल सी बात है एरोमा प्रोड्यूस कर रहा है, खुशबू दे रहा है। क्लियर। तो ये बहुत सारे फ्रेग्रेंस के लिए, परफ्यूम्स के लिए, कॉस्मेटिक्स में फ्रेग्रेंस के लिए, इन सारी जगहों पे हमारे एरोमेटिक प्लांट्स यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेडिसिन ही नहीं प्लांट और एनिमल सोर्स से बन रही है, बल्कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हमारे प्लांट और एनिमल सोर्स से बनते हैं। क्लियर। तो प्लांट, कई प्लांट ऐसे होते हैं जो एरोमा देते हैं, जो खुशबू देते हैं, जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं। तो एरोमेटिक प्लांट्स का जनरली यूज हमारे परफ्यूम्स में होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में होता है। क्लियर है सबको यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लेया। देखिए, इससे जो लेया से क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू में भी बनता है। तो देखिए, लेया हो गया, अरिष्ठा हो गया, अश्वा हो गया, बच्चा लोग इनको बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि इनसे सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट में ही नहीं बल्कि एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। आइए तो देखते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या होता है, हम क्या लेते हैं, शुगर या फिर जैगरी टाइप का एक लिक्विड लेते हैं, जिसको क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। इसमें शुगर लेते हैं जिसको हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। क्लियर। उसके बाद हम उसका डिकॉक्शन करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, और उसके बाद हम उसमें अदर इंग्रेडिएंट क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर वो सेमी सॉलिड में हमारा क्रिएट होता है तो उसमें घी और ऑयल ऐड करके उसको आगे के प्रिपरेशन के लिए भेज देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लेया, जो कि क्या होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ना लिक्विड ना ही सॉलिड, सेमी सॉलिड। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ तैला। तैला का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे तैला बनता है उसके बारे में बताएं।
तो देखते हैं हम क्या लेंगे, ड्रग लेंगे, उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कुकिंग करेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे और उसको ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे, और उसके अलावा जो भी अदर इंग्रेडिएंट उसमें ऐड होना है हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको बॉईल करेंगे, उसका 1/4 पार्ट, जो भी उस लिक्विड का 1/4 पार्ट होगा उसमें क्या करेंगे हम, लिक्विड में कितने 4 टाइम्स ऑफ ऑयल ऐड करेंगे, क्लियर। उसके बाद हम उसको कुक करेंगे, उसको अच्छे से स्टैर करेंगे, मिक्स करेंगे, और उस पेस्ट को क्या करेंगे हम ऑयल करके उसको तब तक हीट करेंगे जब तक क्या ना हो जाए उसमें से फ्री फ्रॉम वाटर ऑयल, क्लियर। प्रॉपरली हम उसको कुक करेंगे, उसके बाद हम उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद उसको हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, क्लियर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन इसी तरह से पढ़ते रहिए, बने रहिए। जय।